प्यारे दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान के युवा वर्ग, बेटी बेटों, बहनों भाई, योगी वीरेंद्र योगी का सदनमन और सब आप सबों का अभिनंदन। प्यारे दोस्त, ये देश आपका है। हम लोग जितना हो सका अपने देश के लिए किया, लेकिन भविष्य का भारतवर्ष, हमारे सपनों का भारत आप बनाएंगे, हमारे युवा पीढ़ी के बेटी बेटे, बहन और भाई। लेकिन आप देश को तभी महान बना सकते हो जब आपके विचार महान होंगे, हमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा, देशभक्ति होगा, अपने नागरिकों के प्रति सम्मान होगा। आप हमेशा सत्य, न्याय, प्रेम, शांति के पथ पर चलते हुए दया, करुणा, स्नेह दिखाते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्राप्त करते हुए निष्पक्ष भाव से अपने जीवन के एक एक क्षण और अपने शरीर के एक एक कण, एक एक खून के कतरे को बलिदान देने को तैयार हो जाओगे, तभी आप देश का सच्चा सिपाही बनोगे। लेकिन उसके लिए आवश्यक है अद्भुत ज्ञान, विचार। हमारा ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारे युवा पीढ़ी के लोग डिग्री तो बहुत ले लेते हैं, तरह तरह की डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन उनको अपनी समझदारी की बहुत कमी रह जाती है। इसीलिए वो भोले भाले बेटी और बेटे, बहन और भाई, इन गद्दारों जो स्वार्थी हैं, जो वंश के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं, और जो हमारे दुश्मन हैं, खासकर मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मनी वो करते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं। इसीलिए मैं ये अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा अपने युवा पीढ़ी से, दुनिया को अपनी नजरिए से देखो। कौन क्या कह रहा है उस पर विश्वास मत करो भाई, क्योंकि जो आपको भड़का रहा है, अलगाववाद की बात बता रहा है, वो स्वार्थ की भावना से आपको इस्तेमाल कर रहा है। हमारे जो मुसलमान भाई हैं, आप अगर जानेंगे और पहचानेंगे तो एक ओवैसी है, हैदराबादी, वो हमेशा मुसलमान का वोट बैंक की राजनीति करता है। जहां मुसलमान भाइयों और बहनों की संख्या ज्यादा है, वहां जाके वो हिंदुस्तान के खिलाफ नाराबाजी करता है। जो भी हिंदुस्तान के हित में सब मत सम्मत से पार्लियामेंट पे पास होता है, उस बिल को भी वो टुकड़े टुकड़े फाड़ के फेंकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सबों का ये भाग्य है कि हम ऐसे महान भारत माता की संतान हैं, जहां की जमहूरियत है, सचमुच का प्रजातंत्र है, और हमें हर चीज बोलने की स्वतंत्रता है। किसी को भी हम उसके कार्य कर पर अपना विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति की जो हमें आजादी है, उसका हम बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन जो शासक वर्ग है, इतना सब है, सहनशील है कि आराम से इन लोगों को जो भी करो, जो भी बोलो, बोलने दे रहा है। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, हर चीज की एक सीमा होती है, मर्यादा में रहो, कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करो जिससे कि देश हित में बाधा हो। सर्वप्रथम देश है, राष्ट्र हित है, राष्ट्र है तो हम सब सुरक्षित हैं अपने देश की परिधि में। हमारे जवान हमारे लिए दिन रात खून बहाते हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आप जिम्मेदार नागरिक बने, आप काफी पढ़ाई लिखाई करो, राजनीति को समझो, देश की दिशा को समझो, देश की अर्थव्यवस्था को समझो, और देश के जो भ्रष्ट और कुलवंशी हैं, वंशवादी पॉलिटिशियन हैं, उनके माया जाल में मत फंसो। 50 वर्षों से ज्यादा कांग्रेस ने शासन किया है, क्या दिया है? सारी बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, फकीरी, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, ये सारे समस्याएं 5 साल में नहीं प्राप्त हुआ आपको, ये पहले ही बीज बोया गया था। क्योंकि जब हमारे देशों को विदेशी ताकतों ने लूटा, इसके चित्रे चित्रे कर दिए, इसके पुर्जे फाड़ दिए, तब ये गद्दार लोग उसका सहयोग करते रहे, और जब वो लोग चले गए तो अभी भी हमारा देश उनके चूसने के बाद एक नरकंकाल अस्थि पंजर बचा हुआ है। लेकिन जब ये सत्ता संभाले कांग्रेसी, तो सचमुच देश हित में उन्होंने
पूरी जिम्मेदारी से अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया, और इसीलिए हमारे देश की जनता भले आप बहुत नहीं जानते हो लेकिन थोड़ा बहुत तो जिम्मेदारी है कि देश का सच्चा सिपाही कौन है, देश का मजदूर नंबर कौन है, देश को हमें बाहरी ताकतों से कौन सुरक्षा दे सकता है, हमारा देशभक्त कौन है, ये समझदारी तो नागरिक में है। हमारे देश में ऐसी विभिन्न समस्याएं थी, जम्मू कश्मीर एक बहुत ही बड़ा अखाड़ा था जहाँ की दुश्मन आके बसते थे, और हमारे संविधान में उनको एक सुरक्षित 370 और 35 दिया गया था, वो बिल्कुल मानवता के खिलाफ था, वो बिल्कुल देश हित में नहीं था। एक बहादुर जांबाज सिपाही भारत का मजदूर नंबर वन आया और देश हित में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का एक विधान एक प्रधान एक निशान का नारा बुलंद करते हुए चुटकी बजाते हुए संविधान से अपने पार्लियामेंट में इसको पास करा दिया। उसका भी विरोध कर रहे हैं ये गद्दारों, क्योंकि कुछ भी करो इसका विरोध करेंगे, लेकिन उनके विरोध से कुछ नहीं होगा, आप उनके बहकावे में मत आइए, और आप तभी सच समझ सकते हो जब मेरी तरह आप योगी वीरेंद्र योगी दिन रात तपस्या करोगे, अपने कान खोल के रखोगे, अपनी आंखें खोल के रखोगे, और एक मूक बहरे बधूर की तरह दूसरा कुछ भरका दिया कौवा कान लेके चला गया तो कौवा के पीछे नहीं भागोगे। आओ मेरे युवा बीरी बेटी बेटो बहनों भाइयों, ये देश आपका है, ये देश हमारा है, इसका सम्मान करें। इसीलिए हमें ज्ञानवान होना है, बुद्धिमान होना है, विचारवान होना है, तभी हम अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं, शान शौकत से अपने देश को संभाल कर जी सकते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। आप कभी भी मुझे किसी पार्टी से जोड़ के मत देखिए, आप कभी भी मुझे किसी जाति धर्म से जोड़ के नहीं देखिए, क्योंकि मैं तो योगी हूँ, मेरा नारा एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी हमारी भारत माता है, हमारा परिवार की तरह है। आत्मवत्सर होते सो ये सारी प्रजातियां, सारे जीव जंतु पशु पक्षी आत्माएं और मनुष्य हमारी आत्मा की तरह है। अगर कोई भी आत्मा पीड़ित होता है, तड़पता है, तरसता है, भले वो पशु पक्षी जीव जंतु क्यों नहीं हो, भले वो मेरा प्यारा हमारे देश का भूखा प्यासा कुत्ता नरकंकाल के रूप में भटक रहा हो पानी के लिए खाने के लिए, उसके लिए मेरी आत्मा तड़प जाती है, क्योंकि हम उस पथ पर चलते हैं जहाँ केवल शांति अहिंसा प्रेम स्नेह करुणा और सौहार्द की भावना हो। इसीलिए तो योगी हूँ मैं, योगी सबका होता है, योगी किसी एक का नहीं होता, इसीलिए आप भी योगी बनिए। योग का मतलब है ज्ञानवान विद्वान बुद्धिमान, शरीर से सबल और मस्तिष्क से पराक्रमी यशस्वी वीर बालिका और वीर बालक। अगर सत्य सभी बोलेंगे तो उसमें विरोध कहाँ से होता है, अगर विरोध हो रहा है दो वर्गों में इसका खास मतलब यही है कि एक झूठा है एक सच्चा है, तो आपको ये समझदारी हो कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। इसीलिए तो हम योग विद्या में सिखाते हैं अहिंसा सत्य आस्था ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, और फिर सिखाते हैं स्वच्छा मन वचन कर्म से स्वच्छ और पवित्र, संतोषा तपसा स्वाध्याया ईश्वरा परिधाना प्रत्याहारा धारणा ध्यान समाधि, ये हमारे मानसिकता का प्रतिबिंब बनते हैं। आओ मेहनत करें, कठोर अध्यवसाय करें, कठोर उद्यम करें, और भारत माता की सच्ची संतान जहाँ न कोई जाति हो न धर्म हो न मजहब हो न क्षेत्र हो, सभी मिलके एक साथ एक कोरेंट लेजर बीम की तरह देश हित में अपना पूरा सहयोग दें। इसीलिए परिश्रमी बनो, अध्यवसायी बनो, उद्यमी बनो, कल्पनाएं करो, मनोरथ करो और कठोर उद्यम से उसकी सफलता प्राप्त करो। यही योगी वीरेंद्र योगी का आपसे अभिनंदन है, निवेदन है। लेकिन अगर आप ज्ञानी नहीं हो, अगर कोई अज्ञानता के अंधकार में भटक रहा हो तो सूरज की रोशनी से भी वो वंचित रहेगा। इसीलिए जो हमारे देश का महान नायक देश की सेवा में जुटा हुआ है, सारी सुविधाएं देने की कोशिश में लगा है, इतनी बड़ी जनसंख्या एक पल में इसका समाधान असंभव है। जो लोग 50-60 वर्षों में नहीं कर पाए, 72 वर्षों तक नहीं हो पाया, वो चार दिन की चांदनी कैसे बन सकती है। अंधेरी रात थी, अब इस रात्रि में हम जुगनू की तरह प्रकाश दे रहे हैं, दीपक
सहज ना बन पाए तो बन कर दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन कर दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार देता हंसकों को दामन देता है, जीना उसको जीना जोरों को जीवन देता बने। आओ हम सावन बने, आओ हम सागर बने, सरिता बने, फल से लदालत वृक्ष बने, पुष्पों से सुगंधित सुंदर सा बगीचा बने, ऑक्सीजन दे, प्राण वायु दे, जल दे, अन्न दे, सुरक्षा दे, सम्मान दे, मान दे, सबको, जीव जंतु पशु पक्षी को, आत्माओं को, मनुष्य को, ओम शांति, ओम शांति, सर्वत्र शांति, ओम शांति, सर्वत्र शांति, ओम शांति, सर्वत्र शांति, जय हो, कल्याण हो, विजयी भव, ज्ञानी भव, यशस्वी भव, कर्मठ बनो, वीर बनो, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट एंड यू आर द कैप्टन ऑफ योर सोल, जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ योर थॉट, फिल योर माइंड विथ ट्रूथ, जस्टिस, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस, एंड इलिमिनेट ऑल दोज एविल थॉट्स, that is greed, anger, hatred, jealousy and cynical thoughts. You can make India proud. You can make Mother India feel proud of yourself, irrespective of, without discriminating of race, religion, caste, creed and religion or sex. All are one. Akhand India, Samrid India, Shakti Sali India, Progressive India, विचारवान इंडिया, शक्ति देने वाले, शांति फैलाने वाले, काम क्रोध मदलोभ से दूर जाने वाले, सूरज की रोशनी उगे जहां की हमें मिले,